आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। मंगलवार को बीजेपी ने सीएम हाउस का घेराव किया। इसी दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। इसी दौरान पुलिस से झड़प भी देखने को मिली। तो धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायपुर में बीजेपी ने सीएम हाउस के घेराव करने की कोशिश भी की। सीएम निवास का घेराव करने की कोशिश करते हुए ये नेता दिखाई दिए। भाजपा कार्यकर्ता है वो इस वक्त जो है रामकुंड इलाके से कूच कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की ओर, और जो है मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए सब निकले हुए धर्मांतरण के विरोध पे। बता दें कि इन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है यहाँ पर, और जो है कि मुख्यमंत्री निवास की भी सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कि अलग अलग मंडलों से जो है सैकड़ों की संख्या पर भाजपा कार्यकर्ता जो है वो निकले हुए यहाँ पर घेराव करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत, हम इनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के भाजपा जो है वो छेड़ ली और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं देख रही। आज ये हमारा कार्यकर्ताओं का हुजूम ये विरोध करने निकला है। ये लड़ाई अब चलेगी। जब तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज जागरूक होकर के इस अभियान को लगातार जारी रखेगा। देखा जा रहा है कि धर्मांतरण की शिकायत करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो है विशेष समाज के लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। किस तरीके से देखते हैं, किसके दबाव में जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार खुलेआम धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है, और जब धर्मांतरण में संरक्षण दे रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ रही है। आप अपने धर्म के प्रति आस्था हो, आपके धर्म के प्रति लगा हो, लेकिन धर्मांतरण प्रलोभन के आधार पर जो करेगा उसका हम विरोध करेंगे, करते रहेंगे। यह सरकार जब तक नहीं जगेगी इस सरकार की चूल्हे हिलाते रहेंगे। कांग्रेस का ये भी कहना है कि विषांतरण कर रही है भाजपा जो है वो जो है धर्म के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनौती देता हूँ कि उसकी विधानसभा में चले, उसकी विधानसभा में कितने धर्मांतरण हुए मैं दिखा देता हूँ उसको। खाली नारे और आश्वासन देने तक कुछ नहीं होता। मेरे मोहल्ले में चलो, मैं दिखाता हूँ धर्मांतरण कैसे हो रहा है। इनके संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, उनके संरक्षण में कांग्रेस के नेता उन धर्मांतरण वालों को संरक्षण दे रहे हैं जिसने थाने के अंदर आके मारपीट की वो बाहर घूम रहा है, और जो विरोध करने गए थे वो अंदर हो गए। सरकार का पक्ष स्पष्ट दिख रहा है, सरकार का संरक्षण धर्मांतरण करने वालों के साथ में है, और हम जनता को जागरूक करते रहेंगे। कराने वाले के विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़क पर लड़ाई लड़ेगी लोगों के साथ, और लगातार राज्य सरकार का खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करेगी।